जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 22 अक्टूबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। और इसके अलावा यूपीपीसीएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, बीपीएससी का हमारा स्पेशल पेड बैच शुरू हो चुका है। ज्ञान सर का पेड बैच है, दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ज्वाइन कर लीजिए या फिर लेटेस्ट बैच अभी जब भी चालू होगा उससे पहले जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर 0 से लेकर 100% तक की आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन करवाई जाती है सिलेक्शन तक, तो फटाफट बिना देरी किए ज्वाइन कर लो कोर्सेज को। ओनली करंट अफेयर्स के नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल से जिनको ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड पूरी अपडेट्स आपको मिलती है। चलो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है वो सुसाइड से रिलेटेड एक आर्टिकल है और हर मतलब ऑलमोस्ट एक आधी महीने 45 दिन के अंदर सुसाइड से रिलेटेड एक ना एक टॉपिक हम लोग को देखने को मिलता है। इसके अलावा यूक्रेन का टॉपिक अगेन फिर से आ गया। यूक्रेन वॉर के कारण एक नया आर्टिकल आया जिसमें हमें पता लगेगा कि वनों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, फॉरेस्ट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। यूक्रेन के वॉर को देखिए, यूक्रेन के वॉर को इन्होंने एनवायरमेंट के साथ जो है वो रिलेट कर दिया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही कनेक्टिविटी आपको सिविल सर्विसेज के लिए जो है वो चाहिए, क्योंकि हर एक चीज आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। चलिए नेक्स्ट, मिडिल ईस्टर्न टेरर ग्रुप्स के बारे में एक आर्टिकल है। पीएम गतिशक्ति स्कीम के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है, मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता सकते हो आप पीएम गतिशक्ति स्कीम का प्लान क्या है। फिर स्पेसएक्स का हम लोग को जो है वो एक मैकेजिला फीड जो है वो देखने को मिल रहा है, या मैचाजिला फीड जिसको जो है वो कहा जा रहा है। तो ये क्या है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहला टॉपिक हम लोग को सुसाइड से रिलेटेड एक आर्टिकल देखने को मिल रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक डिटेल इंटरप्रिटेशन जो है वो बताया है कि क्राइम ऑफ अबीटमेंट ऑफ सुसाइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भारतीय न्याय संहिता के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। क्या चीज है ये, आत्महत्या के लिए उकसाने, क्राइम ऑफ अबीटमेंट ऑफ सुसाइड, यानी कि कोई व्यक्ति किसी को आत्महत्या करने के लिए उकसाता है, उसके बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की है। तो इसी चीज के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करने वाले हैं। और अब देखो, कोर्ट ने कुछ डेफिनेशन दी है कि कुछ कंडीशन होती है जहां पर एक व्यक्ति जो है उसके एक्शन कुछ इस प्रकार के हम लोग को देखने को मिलते हैं, उकसाने वाले, जिसके चलते दूसरे व्यक्ति के पास कोई अदर ऑप्शन नहीं रहता टू सुसाइड। होता है कई बार, ऐसा होता है कि लोग जो है सामने वाले व्यक्तियों को मेंटली टॉर्चर करते हैं और उस मेंटल टॉर्चर के कारण कई बार ऐसे कमेंट्स पास किए जाते हैं, कई बार ऐसे टॉन्ट किए जाते हैं कि जिसके चलते वो व्यक्ति अंदर ही अंदर अपने आप को खोजने लगता है और एक टाइम पर आकर सोचता है कि दिस इज एंड। ऐसा होता है कई बार, तो लोगों को समझना चाहिए भाई कि आप कभी भी, कई बार ऐसा भी होता है लोगों को बुली करते हैं अननेसेसरली, उसकी हेल्थ कंडीशन को लेकर, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर, उसकी सोशल लाइफ को लेकर, उसकी फैमिली बैकग्राउंड को लेकर, बेजर्मन उसको बुली करना, टॉर्चर करना भाई कभी नहीं करना चाहिए लाइफ में। और अगर आपके सामने, आपके अगर फ्रेंड सर्कल में कोई किसी को कर रहा है तो मना करो साफ कि भाई दिस इज नॉट गुड यार। अब देखो, ये जो इंटरप्रिटेशन दिया है, व्याख्या करी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ये तब आई कि जब एक केस था जिसमें एक सीनियर ऑफिशियल एक कंपनी के इन्वॉल्व थे जिनके ऊपर आरोप लगा है कि वो एम्प्लॉयज को पनिश करते थे बहुत बुरी तरह से, जिसके चलते एम्प्लॉय जो है उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता था रेदर टू सुसाइड। सोचिए आप, जबरन कर्मचारी को रिटायर करके उसके आत्महत्या के लिए उसको मजबूर किया गया, फोर्स किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इससे पहले जो है वो रिफ्यूज कर दिया था कि क्रिमिनल चार्जेस जो है वो सेक्शन 306 अबीटमेंट ऑफ सोसाइटी के तहत जो है वो नहीं लगाए जाएंगे, बट सुप्रीम कोर्ट ने अब प्रिंसिपल्स दे दिए कि नहीं भाई, इस केस को भी जो है वो गंभीरता से लिया जाए। तो ये पूरा ओवरऑल मामला, जो टॉपिक, जो आर्टिकल जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो एक चीज अभी तक आपको क्लियर हो गई कि कोई व्यक्ति किसी को सुसाइड के लिए उकसाता है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उससे रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस दी हैं। तो क्या है ये अबीटमेंट ऑफ सुसाइड, आत्महत्या के लिए उकसाना क्या है, तो आप ये जानते ही हैं, बट इसके कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप जानी है। आईपीसी के सेक्शन 306 के तहत ये धारा जो है वो लगाई जाती है अबीटमेंट ऑफ सुसाइड की, राइट, जिसके अंदर कोई व्यक्ति किसी को जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंस्टिगेट करता है, बोलता है कि सुसाइड करो, चाहे वो डायरेक्टली बोले या इनडायरेक्टली करे। बट भारतीय न्याय संहिता के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इसको सेक्शन 108 के अंदर जो है वो शामिल किया गया है, तो ये फैक्ट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो नया जो कानून है उसके तहत सेक्शन 108 और पुराना आईपीसी जो था हमारा उसके तहत सेक्शन 306। इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है, 10 साल की जेल और फाइन है, ये फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे। कोई व्यक्ति अगर किसी को
सुसाइड करने के लिए उकसाता है तो 10 साल की जेल और फाइन। और सेक्शन 45 जो है वो बीएनएस का, भारतीय न्याय संहिता का, उसके अंदर ये कहा गया है कि किसी को उकसाना नहीं है सुसाइड करने के लिए, राइट, इंस्टिगेटिंग समवन टू कमिट एन एक्ट, कोई भी कार्य करने के लिए किसी को उकसाओ मत, मतलब कोई भी ऐसा कार्य जो ऑब्वियसली बात है कि उससे उसकी जान जा सकती है, मेंटली वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, मेंटली फाइनेंशियली जो भी, बाकी फाइनेंशियल वाले केस जो है वो ज्यादातर जो क्रिमिनल के उसमें नहीं आते हैं ज्यूरिसडिक्शन में, क्षेत्र अधिकार में, वो सिविल के क्षेत्र अधिकार में आते हैं। नेक्स्ट, कंस्पायर करना, साजिश रचना, राइट, दूसरों के साथ किसी इलीगल एक्ट करने के लिए, जैसे होता है ना कि लोग मिलकर जो है वो कुछ साजिश करते हैं कि चलो अपन ये डकैती डालें, चोरी करें, या इसका मर्डर करना है, एक्स वाई जी, इंटेंशनली जो है वो किसी का साथ देना क्राइम में, सहायता करना, तो ये पूरी चीज जो है वो सेक्शन 45 के अंदर आएगी। बट अभी के लिए आपको सेक्शन 108 जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया कि देखो भाई, हमें आज की रेट में इस प्रकार के जो केसेस होते हैं उकसाने वाले, किसी व्यक्ति को किसी कोई चीज करने के लिए, चाहे वो सुसाइड हो, चाहे वो क्राइम हो, चाहे कुछ भी, तो उसको गंभीरता से लिया जाए। तो अब इस चीज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्याख्या करी है, क्या इंटरप्रिटेशन है, तो न्यायालय ने यह जांचने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करी, एक फ्रेमवर्क जो है वो बनाया है, किस पर्पज के लिए, एग्जामिन करने के लिए, जांचने के लिए, कि अभियुक्त जो अक्यूज्ड है, जो आरोपी हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसकी गतिविधियों की वजह से पीड़ित को मनोवैज्ञानिक असंतुलन का सामना करना पड़ा, या मृतक के पास आत्महत्या के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये लो, हम गाइडलाइंस दे रहे हैं, इसके तहत आप जांच करिए और जांच करके बताइए कि जो आरोपी है या अपराधी, मतलब अपराधी तो वो व्यक्ति तभी होगा जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो, या कोई भी हमारी जुडिशरी जो है वो उसको अपराधी घोषित करेंगी, अंटिल अनलेस की वो अभी तक क्या है, इनोसेंट है। तो कोई व्यक्ति जो है जब जांच की जाए तो ये इंश्योर करना है कि उस व्यक्ति ने क्या फोर्सफुली, जो व्यक्ति या तो मर चुका है, इस दुनिया में नहीं है, और या फिर वो व्यक्ति जो ऑलरेडी मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है, जिसने ये केस फाइल किया उस व्यक्ति के खिलाफ, तो ये इंश्योर करना है कि उस व्यक्ति ने इस कदर टॉर्चर कर दिया कि वो व्यक्ति सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गया, इस चीज को बिल्कुल पुष्टि करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो फिर फॉल्स केसेस लगना शुरू हो जाएंगे। यस, अब इसमें कुछ क्वेश्चन सामने रखे गए। ये कहा गया कि ये जो आरोपी है, इसने असहनीय उत्पीड़न या यातना दी है क्या, अनबियरेबल हरासमेंट या टॉर्चर किया है क्या आरोपी ने, पीड़ित को आत्महत्या के अलावा कोई अन्य समाधान नजर नहीं आया क्या, मतलब जो जो आरोपी है, जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि हाँ भाई इस व्यक्ति के कारण जो है वो, एक फलाना जो व्यक्ति है, जो पीड़ित आदमी है, वो सुसाइड कर रहा है, तो उसने अगर जो आरोप लगाया सामने वाले व्यक्ति के ऊपर, तो ये इंश्योर करना है कि क्या इतना ज्यादा टॉर्चर कर दिया कि वो सामने वाला व्यक्ति सहन नहीं कर पाया, या सामने वाले व्यक्ति के पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं सुसाइड करने के अलावा, पहले ये चीज इंश्योर करनी है। फिर ये जो अपराधी है, इसने भावनात्मक कमजोरियों का फायदा उठा रहा है क्या, उसकी इमोशनल वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट कर रहा है क्या, कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग, सामने वाला व्यक्ति इमोशनल है तो उसको और ज्यादा टॉर्चर करते हैं और उसके इमोशंस के अंदर घुसने लगते हैं, है ना, जिससे पीड़ित को लगा कि वह जीवन जीने के योग्य नहीं है, मतलब कि इतना इमोशनल कर दिया उसको कि अबे यार तुमसे क्या हो पाएगा, अबे तुम अपनी जिंदगी में साले कुछ कर नहीं पा रहे हो, ये ऐसी लालत है ऐसी जिंदगी पे तुम्हारी, होता है ना ऐसा। और कुछ लोग इस चीज को बहुत दिल पे ले लेते हैं, और जब दिल पे लेते हैं तो दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि चलो एंड लाइफ, है ना, ऐसा होता है, मेनी पीपल आर वेरी वेरी इमोशनल। बट हाँ, अगर आप लोग भी इमोशनल हो इस लेवल के, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना शुरू कर दो अब, क्योंकि आने वाले समय में आप अधिकारी बन रहे हो, अधिकारी जो होते हैं वो इमोशन लेस होते हैं, इमोशंस होते हैं उनके पास, ऐसा नहीं है, बट इमोशन लेस इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप इमोशनल रहकर चीजों को करोगे तो आप अपने गोल्स, अपने एस्पायर अचीव नहीं कर पाओगे, इवन इन योर प्रिपरेशन ऑल्सो, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, आपका फ्रेंड की शादी है, आपका फ्रेंड अगर आपको बुला रहा है कि चलना भाई मैं थोड़ा सही फील नहीं कर रहा यार तू चल मेरे साथ, तो आप इमोशनल हो तो आप अपना काम को, प्रायोरिटी को छोड़कर उसके साथ चले जाओगे, तो योर, इसका मतलब यह है अगर आप जा रहे हो, अपना काम छोड़ रहे हो, अपनी अपने काम को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, दैट मीन्स कि अभी आपका माइंड प्रिपेयर नहीं हुआ है ब्यूरोक्रेट बनने के लिए, आपका माइंड अभी भी कॉमन मैन जैसा माइंडसेट है,
ब्यूरोक्रेट अपनी चीजों को प्रायोरिटी पे रखते हैं, जिसको आगे बड़ा आदमी बनना है, बड़ा बनना है, तो उनको अपनी चीजों को प्रायोरिटी पे रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ यू हैव सेट योर प्रायोरिटी कि नहीं भाई मुझे अपना टास्क कंप्लीट करना है, मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, मुझे अपने कोचिंग के काम पूरे करने हैं, उसके बाद मैं जो करूंगा या जो करूंगी, राइट, फिर आई विल डिसाइड कि मुझे जाना है कि नहीं जाना है, बट फर्स्ट माई प्रायोरिटी इज टू कम्प्लीट ऑल द टास्क। अगर ये माइंड सेट है आपका तो दैट मीन्स कि यू आर इन द राइट डायरेक्शन, और अगर ये माइंड सेट नहीं है तो दैट मीन्स कि आपका अभी भी आप सिलेक्शन से दूर हो, क्योंकि दिस एग्जामिनेशन इज नॉट अबाउट कि सिर्फ पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, इट्स ऑल अबाउट द डिसिप्लिन ऑल्सो, क्योंकि डिसिप्लिन में रहकर पढ़ोगे तभी अपने टास्क को टाइम पर कंप्लीट कर पाओगे और तभी सिलेक्शन हो पाएगा, ये चीज भी ध्यान में रखना। तो इमोशनल नहीं होना है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग सामने वाले व्यक्ति को इमोशनल कर देते हैं, इस कदर उसको फील करा दिया जाता है कि भाई तू तो है ही नहीं, तेरी जिंदगी में कुछ बेकार है तू तो। फिर ये भी देखना पड़ता है कि क्या पीड़ित के परिवार को धमकियां दी गई, या फिर उसकी वित्तीय स्वायत्तता को खतरा पहुंचाया गया, या कुछ ऐसे झूठे आरोप लगाए गए जिससे पीड़ित के आत्मसम्मान को गंभीर नुकसान पहुंचा। होता है ना कि एक व्यक्ति की डिग्निटी को नुकसान, फोटोमॉर्फिंग कर दी, डीप फेक वाले वीडियोस बना दिए, उसके पेरेंट्स को भेज दिए, सोशल मीडिया में उसकी गर्लफ्रेंड को भेज दिया, है ना, होता है ऐसा, कई कई केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं, उसके घर वालों को टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, फिर उसके घर वाले उसको सुना रहे हैं कि तुम्हारे चक्कर में देखो हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे बाहर। तो ये देखा जाता है कि कोई आरोपी ऐसा कर रहा है क्या उस व्यक्ति के साथ। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिस्टिंग्विश कर दिया बिटवीन सिचुएशंस अराइजिंग फ्रॉम सेंटीमेंटल टाइज एंड ऑफिशियल रिलेशनशिप। देखो भाई क्लियर है, सामने वाले व्यक्ति ने बोला कि भाई दिस इज योर ऑफिशियल जॉब, यू हैव टू डू दैट, आपने अगर जॉब ज्वाइन करी है तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी, दैट इज अ प्रोफेशनल थिंग। तो सामने वाला व्यक्ति वो चीज कंप्लीट कर रहा है, उसके बावजूद उसको इमोशनली अगर हर्ट किया जा रहा है, दैट मींस कि सामने वाला अपराधी है। बट यार सामने वाला अगर बोल रहा है कि भाई टाइम पे काम करके दो ना यार, और उसके बाद फिर आरोपी बोल रहा है कि यार हम तो सुसाइड कर लेंगे, ये हमें टाइम पे काम करने के लिए बोलते हैं, अरे भाई ये तो झूठा आरोप हो गया। तो कानून है उन लोगों के लिए जिनके साथ वाकई में एक्सप्लॉयटेशन होता है, हरासमेंट होता है, उन लोगों के लिए नहीं है जो थोड़ा सा स्मार्ट बनते हैं कि चलो हम कानून की सहायता से जो है वो बताएंगे अपने एम्प्लॉयर को। भाई एम्प्लॉयर ने बोला है कि ये चीज इस समय पे होनी चाहिए, अगर नहीं हो पा रही है तो यू गिव द स्टेटमेंट कि सर दिस इज द रीजन, मैडम दिस इज द रीजन, इसलिए नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रही है, या जो भी, यू हैव टू गिव द रीजन। और आपने रीजन दिया, फिर उसके बाद फिर आपसे बदतमीजी हो रही है और फिर आपकी सेल्फ डिग्निटी को जो है वो हर्ट किया जा रहा है, तो फिर यू कैन फाइल केस। बट अगर ऐसा नहीं है और आप फिर केस फाइल कर रहे हो कि नहीं मैं तो सुसाइड कर लूंगा, मेरे काम का बर्डन बहुत ज्यादा दे रहे हैं मेरे ऊपर, भाई व्हेन यू हैव ज्वाइन दैट पर्टिकुलर जॉब, आपने जब उस जॉब को ज्वाइन किया तो यू नो वेरी वेल ना कि भाई क्या टास्क मिलेगा, क्या काम होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करके देना पड़ेगा। थिंग अब चलो ये तो बात हो गई ऑफिस के एनवायरमेंट की, अगर नॉर्मल एनवायरमेंट की भी अगर हम बात करें तो एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप होते हैं, राइट, लोगों के साथ, इवन इन फ्रेंडशिप ऑल्सो, है ना, कई बार हमारा एक बेस्ट फ्रेंड होता है और कई बार हमारा एक फ्रेंड होता है कि ऐसे नॉर्मल है, हाय हेलो टाइप, है ना, उस बीच हाय हेलो के रिलेशनशिप को कोई छेड़ने लगे, दैट इज रॉन्ग। तो ये चीज डिस्टिंग्विश करी है सुप्रीम कोर्ट ने, ये तो प्रोफेशनल और सेंटिमेंटल के पर्सपेक्टिव से डिस्टिंग्विश करी है, बट नॉर्मल केसेस में भी अगर ऐसी कोई चीज आई लाई जाती है तो ये चीज इंश्योर की जाएगी कि सामने वाले की डिग्निटी को, उसके आत्मसम्मान को कहीं हर्ट तो नहीं किया जा रहा है। दैट इज द पॉइंट जो आपको दिमाग पर रखना है। क्लियर, बातें समझ आ रही है। इसी से रिलेटेड कुछ केसेस भी थे, जैसे एम मोहन वर्सेस द स्टेट का केस था 2011 का, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड को प्रूफ करना जो है वो जरूरी है, उसमें आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि डायरेक्ट इंटेंशन रहा सामने वाले अपराधी का कि उसने, या आरोपी का, कि उसने जो है वो विक्टिम को जो है वो कहीं का नहीं छोड़ा सिर्फ सुसाइड करने के अलावा। तो ये चीज प्रूफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन उदय सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा का केस था 2019 का, इसमें जजमेंट ने यह भी कहा कि हर एक केस जो है उसको इंडिविजुअली एक्सेस किया जाए,
स्पेसिफिक अटेंशन दिया जाए कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंसाइटमेंट है क्या, उकसाना है क्या, मतलब ये इंश्योर करना जरूरी है कि सामने वाले व्यक्ति ने उकसाया है कि नहीं उकसाया सामने वाले को सुसाइड करने के लिए। फिर सरकार ने भी काफी सारे इनिशिएटिव्स लेकर आई, जैसे कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट लेकर आई सरकार 2017 में, जिसमें सबसे पहली चीज तो ये की गई कि सुसाइड को जो है वो डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। पहले किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति सुसाइड करता था तो उसको सजा का पात्र बन जाता था वो, तो उसको हटाया गया। किरण हेल्पलाइन लाई गई मेंटल हेल्थ सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए कि जो लोग परेशानी में है, डिस्ट्रेस में है। फिर मनोदर्पण इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज को। नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी 2022 जो है वो लाई गई, एक नेशनल लेवल पर प्रयास था बढ़ती हुई सुसाइड रेट्स को जो है वो टैकल करने का अलग अलग सेक्टर ऑफ सोसाइटी में। अब इंडिया के अंदर स्टैटिस्टिक्स क्या है सुसाइड को लेकर, तो हमारा एनसीआरबी एक डेटा प्रोवाइड कराता है जिसमें एफआईआर के आधार पर रिपोर्ट सामने आती है। ये बताया गया कि स्टूडेंट के सुसाइड के केसेस हर साल जो है वो 4% की दर से बढ़ रहे हैं। ये फैक्ट थोड़ा सा चाहो तो ध्यान में रख सकते हो। ओवरऑल सुसाइड रेट जो है वो 2% से ऊपर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, जो कि मतलब अंडर रिपोर्टिंग भी है। अंडर रिपोर्टिंग के बावजूद यानी कि सभी सुसाइड के केसेस जो है वो रिपोर्ट नहीं किए जाते समाज के डर के कारण। मेल स्टूडेंट के सुसाइड जो है वो 6% से गिर गए हैं 2022 में, और फीमेल स्टूडेंट्स के सुसाइड के अंदर 7% का इंक्रीज देखने को मिला है, राइट? एंड दिस इज वेरी बैड कि हमारी सोसाइटी जो है ये उस कारण से फीमेल के सुसाइड के रेट जो है वो बढ़े हैं, बिकॉज ऑफ अवर, मेनली बिकॉज ऑफ अवर सोसाइटी। हम बोलते हैं ना फीमेल को फ्रीडम, या फीमेल अगर बाहर जा रही है कॉलेज में जा रही है और उन्हें अगर अपने पेरेंट्स को भी शिकायत कर दी ना कि कॉलेज के अंदर मेरे साथ हरासमेंट हो रहा है, तो पेरेंट्स डू नॉट टेक एक्शन कॉलेज में जाके। पेरेंट्स क्या एक्शन लेते हैं, पेरेंट्स अपनी बच्ची को बोलते हैं कल से कॉलेज जाना बंद। इट हैपेंस इन मोस्ट ऑफ द फैमिली, मैंने पर्सनली खुद देखा और मैंने पर्सनली खुद पेरेंट्स से बात करी कि यार दिस इज रॉन्ग, आप ये गलत कर रहे हैं यार, ऐसा मत करो। वो उल्टा है कि आप वहां पर बात करो कॉलेज में। कई बार मैंने कॉलेज से बात करी अपने स्टूडेंट्स के बिहाफ में। पिछले एक दशक में देखा गया कि स्टूडेंट के सुसाइड के केसेस बढ़ गए हैं 6,654 से लेकर 13,044 केसेस हो गए हैं, और एक छोटा सा डिक्लाइन हम लोग को युवाओं की पॉपुलेशन में जो है वो देखने को मिला। देखिए आप एमएचए यानी कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 का था, अभी पढ़ा नाम नहीं है, ये मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। इसके अंदर सेक्शन 115 जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो क्लियरली बोल रहा है कि भाई अगर कोई व्यक्ति अगर सुसाइड अटेम्प्ट करेगा तो उसके ऊपर मुकदमा ना चलाया जाए। बीएनएस ने रिमूव कर दिया सेक्शन को जो सुसाइड को क्रिमिनलाइज कर रहा है, बट ये इस अपराध को पूरी तरह से डीक्रिमिनलाइज नहीं करता। सेक्शन 224 जो बीएनएस का है ये क्रिमिनलाइज करता है सुसाइड अटेम्प्ट को एम्ड एट कोइर्सिंग पब्लिक सर्वेंट टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज, पनिशेबल विद अप टू 1 year इन प्रिजन। अगर कोई सरकारी कर्मचारी को उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से आत्महत्या के प्रयासों का को अपराध मानती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप ध्यान में रखेंगे, यानी कि एक कोई सरकारी अधिकारी है उसके सामने कोई व्यक्ति खड़ा हो गया और बोला कि साले मेरा काम नहीं करेगा तो मैं सुसाइड कर दूंगा, तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी कि आप फोर्स कर रहे हो किसी सरकारी अधिकारी को कुछ करवाने के लिए और उसके एवज में आप बोल रहे हो, धमकी दे रहे हो कि आप सुसाइड कर लोगे, तो फिर कार्रवाई होगी बॉस, समझ रहे हो? तो क्लैरिटी देखो आप कानून के अंदर। तो हमने इस पूरे आर्टिकल के अंदर क्या चीज समझी, पहली चीज तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई जो भी अगर सोसाइट के लिए किसी को उकसाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पहले आईपीसी के सेक्शन 306 में ये चीज देखने को मिलती थी, अब भारतीय न्याय संहिता के अंदर सेक्शन 108 में देखने को मिलती है, और जो भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को सुसाइड करने के लिए उकसाएगा 10 साल की उसको सजा और फाइन उसको देना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्रेमवर्क बनाया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई सवाल ये रखो कि सामने वाला व्यक्ति वाकई में उकसा रहा है कि नहीं उकसा रहा है, इस चीज को पहले देखना पड़ेगा, तब जाके कार्रवाई जो है वो शुरू की जाएगी, तो फॉल्स कंप्लेन के कारण काफी सारे लोगों को दिक्कतें आ सकती है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि सेंटीमेंट और प्रोफेशनलिज्म को दोनों को अलग करो। नेक्स्ट सरकार की तरफ से काफी सारे हम लोग को प्रयास भी देखने को मिले, जैसे कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, इसके तहत जो है वो सुसाइड जो भी व्यक्ति अटेम्प्ट करता है उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, बट अगर कोई व्यक्ति किसी को
मतलब किसी सरकारी कर्मचारी को धमका रहा है कि भाई तू अगर मेरा ये काम नहीं करेगा तो मैं सुसाइड कर लूंगा, तो वो अगर सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 224 के तहत। बाकी अगर कोई व्यक्ति मेंटली परेशान है, डिप्रेशन में है, स्थिति उसकी खराब है और फिर वो सुसाइड सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। फिर हमारे यहाँ पर कुछ डेटाज भी हमने देखे, राइट, जिस डेटा के आधार पर सामने पता लग रहा है कि काफी केसेस जो है वो बढ़ गए, फीमेल के सुसाइड के केसेस में बढ़ोतरी हुई है। फिर सरकार का मनोदर्पण स्कीम हुआ, किरण हेल्पलाइन हुई, नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी 2022 हुई, ये सब ऐसे इनिशिएटिव है जिसके तहत सुसाइड्स को रोकने के लिए हम लोग प्रयास जो है वो कर रहे हैं। तो ये था एक पूरा आर्टिकल, मैं उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब देखो यूक्रेन का युद्ध आप जानते ही हैं, अब क्या रिलेशन आपको इस आर्टिकल के अंदर नजर आएगा उसके बारे में बात करें। देखो यार, यूक्रेन के वॉर के कारण जंगलों को क्या नुकसान पहुंच रहा है, ये बहुत बड़ी आर्टिकल आपको बताएगा, एक अच्छा पॉइंट मेंस में लिखने को मिलेगा आपको। तो रिसेंट रिपोर्ट ये बता रही है कि एनवायरमेंट के ऊपर बुरा इंपैक्ट पड़ रहा है यूक्रेन वॉर के कारण। अब यार मुझे अगर आपने दो पॉइंट्स बता दिए सिर्फ बिना इस आर्टिकल को पढ़े तो मजा आ जाएगा, कमेंट बॉक्स पर लिख कर दो। अब सोचो, अब सिविल सर्विस इज ऑल अबाउट कि यू शुड थिंक, क्योंकि जब खुद से सोचोगे ना तब खुद से आपका दिमाग ट्रेन होगा सोचने के लिए और मेंस में और प्रीलिम्स में आपको हेल्प मिलेगी। सिर्फ दो पॉइंट बताओ कि क्या हो सकता है, कैसे एनवायरमेंट खराब हो सकता है युद्ध के कारण। देखो अब यूक्रेन का फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ नेचुरल हैबिटेट बुरी तरह से डिस्ट्रक्ट हो रहा है। कहीं पर बॉम्ब गिरेगा, मिसाइल गिरेगी तो वो एरिया खराब होगा कि नहीं होगा, तो ये वाली चीज हो गई है। दूसरा ये पॉल्यूशन, भाई जो जो भी ये हम लोग को देखने को मिलेगा कि एक्सप्लोजन होगा, विस्फोट होंगे तो उससे निकलेगा ना यार पॉल्यूटेंट गैस, रेडिएशंस जो एनवायरमेंट को हार्म करेगी, यही चीज यहां पर बताई जा रही है। देखो यूक्रेन की ईस्टर्न पाइन फॉरेस्ट जिसके अंदर रेयर स्पीसीज रहती है जैसे कि चॉक पाइन हो गया, ये बहुत बुरी तरह से प्रॉब्लम फेस कर रही है। अप टू 80% एक क्षेत्र यहाँ पर जंगल का देखने को मिलता है, राइट, लुहांस्क रीजन का जो जंगल है उसका लगभग 80% एरिया खत्म हो चुका है। लगभग 4,25,000 हेक्टेयर का जंगल जो है वो दूषित हो चुका है बुरी तरह से, कंटामिनेट माइंस के कारण, एक्सप्लोजन के कारण, और जो कंजर्वेशन के जो एफर्ट्स हैं, संरक्षण के जो प्रयास है वो धीरे हैं। यहां पर इलीगल लॉगिंग का इशू एक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, कटाई हो रही है अवैध तरीके से, उसने यूक्रेन के फॉरेस्ट को जो है वो और कॉन्फ्लिक्ट से पहले ही जो है वो परेशान कर रखा था। तो वाइल्ड लाइफ के अंदर हम लोग को डियर, बोर्स, बोर्स बोर मतलब सुअर होते हैं, वुड पैकर हो गए, ये सीवियरली अफेक्ट हुए क्योंकि इनका जहां पर ये क्षेत्र जहां पर रहते थे ये लोग वो क्षेत्र खराब हो चुके हैं। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एनवायरमेंट के परस्पेक्टिव से अगर किसी का आवास खत्म होता है तो वो प्रजाति भी खत्म होने लगेगी। यहां पर एक घोड़े की प्रजाति हम लोग को देखने को मिलती है, एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है ये, राइट, कॉर्नोबिल रिजर्व में, ये सीवियर थ्रेट में क्योंकि वहां पर लैंड माइंस है, फॉरेस्ट एरिया काफी डेंजरस हो गया है, इनएक्सेसिबल हो गया है वाइल्ड लाइफ के लिए, कंजर्वेशनिस्ट के लिए, क्योंकि लैंड माइंस बची हुई है। वॉर रिलेटेड फॉरेस्ट फायर कई बार हमें देखने को मिलता है कि बम फटा उसके कारण से आग लग गई जंगल में, ग्रीन हाउस गैस पूरी तरह से एमिट हो रहा है, 6.75 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। यूक्रेन के जो जंगल हम लोग को देखने को मिल रहा है उनका कार्बन कैप्चर पोटेंशियल खत्म हो गया, क्योंकि जंगल ही नहीं रहा तो कहां से कार्बन कैप्चर करेगा वो, और एनवायरमेंट को हार्म पहुंच रहा है। वर्ल्ड बैंक ने यह बताया कि $30 बिलियन से भी ज्यादा डैमेज हो रहा है फॉरेस्ट के अंदर, नेचुरल एरियाज के अंदर, वेटलैंड में 33.3 बिलियन US डॉलर का डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन हुआ है, 26.5 बिलियन US डॉलर जो है वो हम लोग को इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल कॉस्ट इसकी बताई जा रही है। प्रोडक्ट फॉरेस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है मिट्टी को और वाटर सिस्टम को जो है वो मेंटेन करने में, मैनेज करने में, हेल्दी बनाने में। अब वॉर हो गया तो बस मिट्टी पानी सब खराब हो रहा है, रेडिएशन, केमिकल्स, एक्सप्लोजन के बाद सब रिलीज हो रहा है यहां पर। तो देखिए कितनी कितना बढ़िया आर्टिकल है। एस्टीमेट ने यह बताया गया है कि लगभग 70 साल जो है, मतलब ये जो माइंस बिछा दी गई हैं और ये जो स्थिति जो खराब हुई है तो 70 साल में आप थोड़ी स्थिति ठीक कर पाओगे, ये बताया गया है यहां पर।
और रीजनरेशन को तो और टाइम लगेगा, मतलब आपने इरिवर्सिबल डैमेज एक प्रकार से कर दिया कि अगले 100-150 सालों तक आप भूल जाओ जो तो डैमेज किया अभी यूक्रेन वॉर के कारण, वो ठीक हो पाए। ठीक तो और भी दूर की कहानी है। देखो कितना अच्छा पॉइंट आपको मिला है कि वॉर के कारण एनवायरमेंट भी तबाह हो जाता है, जो आज की डेट में इंटरनेशनल लेवल पर हम प्रयास कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, तो वॉर के कारण और चीज स्थिति खराब हो रही है। और वॉर सिर्फ यूक्रेन की बात नहीं हो रही है, अब आप ओवरऑल मेंस में लिख सकते हो कि करंट कॉन्फ्लिक्ट से भी एनवायरमेंट को खतरा है। लोग एनवायरमेंट के बारे में अलग पॉइंट्स लिखेंगे, आपका पॉइंट अगर अलग हटके होगा और बिल्कुल एक्यूरेट होगा कि हाँ भाई ये क्या पॉइंट लिखा है इनने गजब, क्योंकि सब सेम चीज लिखेंगे और आपकी कॉपी हल्की सी अलग होगी, हल्का सा एडवांस पॉइंट उसमें होगा, तो एडवांटेज आपको मिलेगा। एसडीएम आईएएस की रैंक आपकी होगी, याद रखना। फिर इन्फेक्शियस डिजीज बढ़ती जा रही है, मिट्टी खराब होती जा रही है, राइट, बहुत सारी चीजें भाई। पूरे दुनिया भर में इनिशिएटिव्स लिए गए, ये देखो बॉर्न चैलेंज ध्यान में रखना, बॉर्न चैलेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट की क्लासेस पढ़ाया जाता है, जनरल स्टडीज की क्लासेस तो करो बहुत अच्छे से करो। और यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रीस्टोरेशन ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव, ये सब चीजें रीफॉरेस्टेशन पर फोकस करती हैं। एनवायरमेंट मॉडिफिकेशन कन्वेंशन, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि एनवायरमेंट को जो भी चीज डिस्ट्रक्ट कर रही है वॉर स्ट्रेटेजी के कारण, तो उसको खत्म करो भाई, ऐसी चीजें मत करो, लड़ाई मत करो, वॉर फ्री कंजर्वेशन जोन बनाओ, एनवायरमेंट को बचाओ, जीरो डिफॉरेस्टेशन पॉलिसी जो है वो लेकर आओ, सप्लाई चेन में सस्टेनेबल कंज्यूमर चॉइस को प्रमोट करो, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन को सपोर्ट करो, जैसे कि फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, ये हेल्प करती है कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज का रिस्पॉन्सिबल तरीके से उपयोग हो। जो देसी जो कम्युनिटी हम लोग को देखने को मिलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जंगल को बचाने में, इन कम्युनिटी को सपोर्ट करो आप, क्योंकि ये कम्युनिटी जंगल को बचा सकती है, जैसे कि हम लोग को मुंडुरुकू पीपल एमेजॉन के अंदर देखने को मिलते हैं, आ सकता है प्रीलिम्स के अंदर। तो कितना बढ़िया टॉपिक था, कितना बढ़िया आर्टिकल था, कितने अच्छे पॉइंट आपको मिल गए हैं कि भाई वॉर के कारण भी एनवायरमेंट बुरी तरह से डैमेज हो सकता है, तो एनवायरमेंट के डैमेज होने में वॉर भी एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। यस, देखो कितनी बढ़िया चीज है। नेक्स्ट, अब देखो इसराइल ने अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा शिफ्ट किया है। अब बताया जा रहा है कि लेबनान में अपने सैन्य ठिकानों का इसने विस्तार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ईसाई बहुल शहर, यानी कि जो जहां पर क्रिश्चियन मेजोरिटी जो लोग रह रहे थे, और यहां पर इन्होंने हवाई हमला जो है वो करवाया, और जिससे कम से कम 21 लोग मारे गए। इस हमले में जो विस्थापित परिवारों को किराए पर दिए गए घरों को निशाना बनाया गया। सोचिए आप, इसराइल ने अपनी मिलिट्री, पहला पॉइंट, इसराइल ने मिलिट्री स्ट्रेटेजी चेंज करी। इसराइल ने अभी अटैक किया है उन क्षेत्रों पर जहां पर क्रिश्चियंस रह रहे हैं, क्रिश्चियन मेजोरिटी एरियाज पर अटैक कर दिया, और ये वो लोग थे जो अपना घर छोड़कर आए थे और रेंट पर जो है वो रह रहे थे, तो उन पर अटैक, वहां पर अटैक कर दिया। ये हमला शत्रुता के एक साल में पहली बार हुआ है जब ईसाई बहुल क्षेत्र पर इसराइली हवाई हमले हुए। तो ये पहली बार ऐसा देखने को मिला कि जब इसराइल ने क्रिश्चियन मेजोरिटी एरियाज पर अटैक किया। इससे इसराइल की सैन्य रणनीति में संभावित बदलाव का पता चल रहा है। तो इसराइल अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजी को चेंज कर रहा है, और हालिया हमला ऐसे समय में हुआ है जब इसराइल ने हिजबुल्ला ग्रुप्स पर अपना हमला जारी रखा, और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान में बिना किसी दया के ईरान गठबंधन समूह के खिलाफ हमले को तेज करने की कसम खाई है। सोचो आप, अब बहुत क्रूएल होता हुआ नजर आ रहा है इसराइल, ऐसा ये आर्टिकल जो है वो बता रहा है अभी के लिए, तो आगे की चर्चा जो है वो करें। तो ये रीजन के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि बहुत संघर्ष होते जा रहे हैं, काफी सारे आतंकवादी ग्रुप्स मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है, राइट, कुछ स्टेट्स के अंडर से ही जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, राइट, और कुछ लोगों का तो इंटरनेशनल प्रभाव भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भी देखने को मिल रहा है इसमें। जो ग्रुप्स हैं जैसे हिजबुल्ला, आईएसआईएस, राइट, बद्र ऑर्गेनाइजेशन, बोको हराम, तो ये सब ग्रुप्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। हिजबुल्ला के बारे में बात करें तो ये शिया मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, और ये मिलिटेंट ग्रुप है जो कि लेबनान में बेस्ड है, और अपनी पावरफुल पैरामिलिट्री विंग के लिए जाना जाता है। जिहाद काउंसिल जो कि लेबनान के काफी सारे एरिया पर जो है वो अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश रखती है। ये ग्रुप जो है उसके उसको ईरान का काफी ज्यादा सपोर्ट है,
और ना ही सिर्फ लेबनान पे ये ऑपरेट करती है बल्कि इराक, सीरिया, यमन जैसे एरियाज पर भी ऑपरेट करती है। वहां पर मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, शिया मिलिटेंट्स को जो है वो ट्रेनिंग देती है, राइट। इसके मेन दुश्मन जो है वो इसराइल है, हिजबुल्ला के, यूनाइटेड स्टेट्स है। ये बेसिकली इस क्षेत्र में जो है वो अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन करना चाहती है और इसराइल के इंटरेस्ट को अपोज करती है और मिडिल ईस्ट से यूएसए की फोर्स को हटाने पर फोकस करती है हिजबुल्ला ग्रुप। हिजबुल्ला जो है प्राइमरी लेबनान से जो है वो ऑपरेट करती है, जैसे मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताई दिया, और भी काफी सारे एरियाज से। अब इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लेबल किया हुआ है यूनाइटेड नेशन ने, उसके बावजूद हिजबुल्ला जो है वो एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस जो है वो मेंटेन करती है और उसको सपोर्ट भी मिलता है काफी सारी लेबनीज कम्युनिटी का, लोगों का, स्पेशली शिया मेजोरिटी एरियाज में। फिर ऐसी बद्र ऑर्गेनाइजेशन एक हम लोग को देखने को मिलता है, ये इराकी शिया पैरामिलिट्री ग्रुप है जो ऑपरेट करता है इराक की सिक्योरिटी फोर्स के तौर पर, और इनिशियली इसको जो है वो बनाया गया था सद्दाम हुसैन के बाथिस्ट रिजीम को जो है वो फाइट करने के लिए, और फिर बाद में जो है वो इस क्षेत्र में रहिए एक मेजर पावर के तौर पर उभर कर आई। अब आईएसआईएस की बात करें तो इसके बारे में मैं आपको एक क्लैरिटी दे देता हूं। आईएसआईएस का फुल फॉर्म है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। 2014 में ये लाई गई थी, उत्पन्न हुई थी, बनी थी और अलकायदा से ही उभर कर बनी है ये। बट एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, यहां पर आज की डेट में ये आईएसआईएस नहीं है, ये है सिर्फ आईएस। पहले थी ये इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव था कि इराक और सीरिया पर कंट्रोल करना है। अब इनने क्या बोला कि नहीं, अब हमें पूरी दुनिया पर कंट्रोल करना है, पूरी दुनिया को इस्लामिक स्टेट बनाना है, तो इनका ऑब्जेक्टिव है आईएस, ठीक है। फिर बोको हराम के बारे में बात करें तो ये सलफी इस्लामिस्ट ग्रुप हम लोग को देखने को मिलता है वेस्ट अफ्रीका के अंदर। बोको हराम जो है ये नाइजीरिया के अंदर ऑपरेट करती है और उसके आसपास के एरियाज में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि शरिया कानून जो है उसको वो करना, स्थापित करना, ठीक है। नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन जो है इन्होंने हिजबुल्ला, आईएसआईएस जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है या ग्रुप्स हैं इनको जो है वो बैन किया हुआ है, राइट, ठीक है। बस इतनी चीज ध्यान में रखिएगा। अब आज की रेट में मिलिटेंट ग्रुप्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, और भी टेंशन जो है वो क्रिएट होती जा रही है। यूनाइटेड नेशन और दूसरी इंटरनेशनल बॉडीज जो है उन्होंने सैंक्शन इम्पोज किए हैं, मिलिट्री मेजर्स लिए हैं, बट फिर भी अभी कोई वो नहीं सोल्यूशन सामने नजर नहीं आ रहा। इतने इंटरनेशनल प्रयास के बावजूद भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हो ही रहा है, चलता ही जा रहा है, कोई इसमें हम लोग को जो है वो रोक नहीं देखने को मिली है, सीज फायर नहीं हुआ है, तो ये इशू है। बल्कि उल्टा ये देखने को मिल रहा है कि मिलिटेंट नेटवर्क जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, वायलेंस जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। आज की डेट में चैलेंजेस यही है कि रीजन इनस्टेबल है, और रीजन अगर इनस्टेबल होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगी, डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो पाएगा, दैट इज द इशू। और अभी हमने लास्ट आर्टिकल में देखा कि इससे एनवायरमेंट को भी बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो पहुंचता है, तो हम लोग को इंटरनेशनल लेवल पर स्ट्रेटजीज है वो लाने की आवश्यकता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की स्ट्रेटजीज है वो अभी काम नहीं कर रही है बिल्कुल भी, राइट। और मेरे हिसाब से तो अगर मैं अपना पर्सनल व्यू बताऊं तो मेरे हिसाब से जो ये जो कंट्रीज जो है ना ये अपने सिर्फ इंटरेस्ट के बारे में जो है वो सोच रही है, ये ग्लोबल इंटरेस्ट के बारे में या शांति क्रिएट करने की बात जो है वो नहीं कर रही, इनको सिर्फ अपने इंटरेस्ट को जो है वो फुलफिल करना है, अपनी पूर्ति करनी है, अपनी कमाई करनी है, बस दैट्स इट। और इसी के कारण देखो गरीबी, गवर्नेंस फेलियर, सेक्टेरियनिज्म, ऐसे इश्यूज हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। सेक्टेरियनिज्म का मतलब होता है सांप्रदायिकता, लोग जो है वो अलग अलग डिवाइड जो है वो होते जा रहे हैं, आइसोलेट होते जा रहे हैं, और उसके कारण हेटेड जो है वो बढ़ती जा रही है, यस। तो दिस इज अ टॉपिक जिसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी है, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन। अब देखिए गाइस, हम लोग बात करेंगे पीएम गतिशक्ति नेशनल प्लान के बारे में। बहुत सिंपल सी चीज है, प्लान के तहत मैं आपको समझाता हूँ। मेन हम लोग किस चीज पर फोकस कर रहे हैं, आपस में मिनिस्ट्रीज होती हैं उनको कोलैबोरेट किया गया है। कैसे, जैसे आपने कई बार इशू देखे होंगे कि यार सड़क बन जाती है, फिर वो जल शक्ति वाले आ जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं हमें तो पाइपलाइन बिछानी है, तो सड़क बन गई फिर सड़क तोड़ी जा रही है फिर पाइपलाइन बिछाई जा रही है, सोचिए आप कितना नुकसान है। और यही अगर कोऑर्डिनेशन होता तो कितना फायदा होता, कि पहले प्लान बन रहा है, पहले भाई अब ऑब्वियस ही बात है कि नीचे पाइपलाइन डालनी है तो पहले पाइपलाइन डाल लो फिर सड़क बनाओ, है ना। ये चीज गेम ये है कि आपस में डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्री जो है वो इस तरीके से कोऑर्डिनेट करें कि नुकसान ना हो। तो रिसेंटली अभी 3 साल पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान को कंप्लीट हो गए हैं और इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के ट्रांसफॉर्मेशन में एक बहुत ऊंचा कदम देखने को मिला। मेन ऑब्जेक्टिव यही था, ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी जो मैं अभी आपको समझा रहा था, राइट।
लॉजिस्टिक को लेकर डिलेज नहीं हो, इनोवेशन हम लोग ज्यादा से ज्यादा लेकर आए, काम जो है वो टाइम पर हो, बचत में हो, तो ये मेनली चीज थी। अब इसमें देखो ये 100 लाख करोड़ रुपए लिखा हुआ है, ये 100 लाख नहीं है, 111 लाख करोड़ रुपए है, ये चीज ध्यान में रखना। ये 100 लाख करोड़ नहीं है, ये 111 लाख करोड़ रुपए का प्लान था, अक्टूबर 2021 में जो है वो लाया गया और 5 सालों के लिए इन्होंने बोला था। और इसको जो है वो भास्कर आचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया गया था स्पेस एप्लीकेशन और जियो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए, और इन्होंने जियो इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म का उपयोग किया डेटा को शामिल करने के लिए। क्योंकि देखो यार, हर जगह पर हम लोग को डेटा बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहाँ पर किस तरीके की चीजें तैयार करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, वहां का लैंडस्केप मजबूत है कि नहीं, है ना, तो वो सब चीजें देखना बहुत जरूरी है। मेन ऑब्जेक्टिव ये था। ये देखो इंटर मिनिस्टेरियल बैरियर्स, वही जो मैं आपको बता रहा था कि भाई सड़क बना दी फिर गड्ढा कर दिया, पाइपलाइन डाली जा रही है, तो ये तो नुकसान है ना भाई पूरा पूरा। तो मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई इस प्रकार से प्रोजेक्ट में ना डीले हो, प्रोजेक्ट भी स्मूथली चले और पैसा भी बचे, नुकसान ना हो किसी प्रकार का। इसके अंदर 16 मिनिस्ट्री जो है वो इन्वॉल्व थी एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर, तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। और मल्टी सेक्टर के ऊपर हम लोग काम कर रहे थे, इसके अंदर जो मेजर प्रोग्राम्स है भारतमाला, सागरमाला, उड़ान, सब चीज हमने कवर कर रही थी, ट्रांसपोर्ट, पोर्ट, एविएशन, सब कुछ। प्लान टारगेट यही था कि हम लोग को टेक्सटाइल क्लस्टर, फार्मास्यूटिकल हब, एग्रीकल्चर जोन, डिफेंस कॉरिडोर सब तैयार करना है, सब क्रिएट करना है। तो ये बहुत एक मेजर हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान जो है वो देखने को मिला। इसरो सैटेलाइट की मदद ली हमने, राइट, डेटा वगैरह को सीख करने के लिए, तो ये सब चीजें। और ये मास्टर प्लान था, इसके अंदर 7, ये इंपॉर्टेंट है कि 7 कौन से कोर सेक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व किए गए, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी ट्रांसमिशन, आईटी कम्युनिकेशन, वाटर मैनेजमेंट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी एंड ग्रोथ, तो ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, 6 पिलर्स हम लोग को देखने को मिले कि इंप्लीमेंट जो है वो करने के लिए बनाए गए, तैयार किए गए। देखो सबसे पहली चीज तो कॉम्प्रिहेंसिवनेस, व्यापकता, सभी मिनिस्ट्री के डेटा को इंक्लूड किया गया, 16 मिनिस्ट्रीज के अंदर टोटली इन्वॉल्व थी। फिर प्रायोरिटाइजेशन, इसमें प्रायोरिटी जो है वो दी गई प्रोजेक्ट्स को। फिर ऑप्टिमाइजेशन कि इसमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है उसको सही तरीके से करना है, राइट, वो फिल करना है, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन, आपस में कोऑर्डिनेशन सभी मिनिस्ट्रीज का, डिपार्टमेंट्स का। एनालिटिकल केपेबिलिटीज, इसके अंदर डेटा का इस्तेमाल जो है वो किया गया इसरो की मदद से। डायनेमिक मॉनिटरिंग, सैटेलाइट ने रियल टाइम बेसिस पर प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग करना जो है वो शुरू कर दिया, देना शुरू कर दिया कि भाई ये प्रोजेक्ट इतनी इतनी दिनों में कंप्लीट हुआ है, राइट, तो उससे क्या रहा है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी सब चीज है बरकरार रही। अचीवमेंट बहुत हासिल हुए, इसको कहा जा रहा है कि 27 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक्सपेंड किया गया और प्लान ये है कि 750 डिस्ट्रिक्ट को बहुत जल्दी शामिल कर लिया जाएगा। जियो स्पेशल टूल का इस्तेमाल किया जा रहा है, प्लेटफॉर्म प्रेजेंट किया गया 30 कंट्रीज को सेंट्रल एशिया के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, मजा आ गया उन कंट्रीज को भी कि वाह यार क्या प्लान है इंडिया के पास। काफी सारी मिनिस्ट्रीज जो है उन्होंने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जो है वो किया, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक, अर्बन लॉजिस्टिक को इंप्रूव करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट मिली लोगों को, ट्रेनिंग मिली। बट कुछ चैलेंजेस भी सामने आए, डेटा से रिलेटेड चैलेंजेस हम लोग को देखने को मिल रहा है, कई बार इनकम्प्लीट या आउटडेटेड डेटा हम लोग को मिनिस्ट्रीज के पास देखने को मिले, पर्टिकुलरली लैंड रिकॉर्ड के मामलों में। फिर इसके अलावा इंटर मिनिस्टेरियल कोऑर्डिनेशन में अभी भी डिले हम लोग को देखने को मिल रहा है, मिनिस्ट्रीज आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही है। कई बार पेपर वर्क, एनवायरमेंटल जैसे कि इशू हम लोग को देखने को मिलता है ना कि भाई एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिल रहा, या पेपर वर्क में डिले कई बार हम लोग को देखने को मिल रहा है। कई बार फंडिंग का इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है, बहुत ही कम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप देखने को मिल रही है, स्किल्ड वर्कफोर्स अवेलेबल नहीं है अभी भी, एक्सपर्टीज अवेलेबल नहीं है अभी भी। तो सोल्यूशन क्या है, जो प्रॉब्लम है वही सोल्यूशन, हर बार बताता हूं मैं आपको, डेटा की कमी है तो भाई और बेटर करो टेक्नोलॉजी को, जैसे कि और रियल टाइम बेसिस पर डेटा मिले, अपडेटेड डेटा मिले, मिनिस्ट्रीज कोऑर्डिनेट नहीं कर रही है तो उनको भाई लेकर आओ सख्ती से एक एक जगह पर, उनकी रेगुलर बेसिस पर मीटिंग कंडक्ट कराओ, लोग आपके पास एक्सपर्ट्स नहीं है तो एक्सपर्ट्स उनको ट्रेनिंग दो, राइट। फिर इसके अलावा टाइम पर चीजें नहीं हो पा रही है, पेपर वर्क टाइम पर फिनिश नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए भाई रस्ते ढूंढो, इनोवेटिव सोल्यूशन है वो लेकर आओ कि जल्दी से जल्दी एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में वो चीजें कंप्लीट हो पाए। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आप अट्रैक्ट करो, उनको इंसेंटिव प्रोवाइड कराओ, ज्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड कराओ, राइट, सस्टेनेबल प्रैक्टिस पर फोकस करो कि नुकसान ना हो, राइट। तो ये सब चीजें हैं, बहुत इजी सा टॉपिक पीएम गतिशक्ति का। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि पीएम गतिशक्ति जो इनिशिएटिव है सरकार का, उसमें कितनी मिनिस्ट्रीज को आपस में इंटीग्रेट करने की अभी तक के लिए बात की गई है, नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताएंगे आप लोग।
अभी रिसेंटली देखने को मिला कि स्पेस एक्स ने अगेन एक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अचीव कर दी, आपने देखा ही होगा उसका। इसने एक रोबोटिक आर्म का उपयोग जो है वो किया है, जिसका नाम इन्होंने रखा है, ये नाम ध्यान में रखोगे आप, मैकाजिला। मैकाजिला ये नाम हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये स्टारशिप के सुपर हैवी बूस्टर को मिड एयर में ही जो है वो रॉकेट के सेपरेशन के बाद पकड़ लेता है। आपने वीडियोस भी देखे होंगे, बहुत ज्यादा वायरल चल रहे हैं इसके वीडियोस, रील्स वगैरह में। ये इनोवेटिव अप्रोच जो हम लोग को, मैं चाहता तो मैं अभी आपको दिखा देता बट कॉपीराइट पड़ जाएगा, इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूं आपको। आप एक बार इसको सर्च करना, मजा आएगा आपको देखकर। ये इनोवेटिव अप्रोच जो है ये रॉकेट बूस्टर की रीयूजेबिलिटी को जो है वो एनहेंस कर देती है। देखो यार, पता है इलॉन मस्क को तो मानना पड़ेगा बॉस, इलॉन मस्क ने ऐसे ऐसे काम जो है वो कर डाले जो किसी ने सोचे नहीं थे। और यही जो होती है थिंकिंग, कि भाई जो आप सोच रहे हो उसको करने के लिए आप पूरी जिद्दोजहद लगा दो। इलॉन मस्क से जो है पूछा गया था, इलॉन मस्क गया नासा के पास कि यार हम इतना बर्बादी करते हैं, इतना मतलब सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए रॉकेट्स जो हम लोग यूज करते हैं वो रियूजेबल रॉकेट क्यों नहीं यूज कर सकते। तो उन्होंने बोला कि यार ऐसे कैसे होगा, नासा ने भगा दिया उसको। उसने बोला ऐसा होगा, जब रॉकेट ऊपर भी जा सकता है तो रॉकेट नीचे भी आ सकता है। रॉकेट को अगर हम डिसमेंटल करेंगे और वापस से नीचे लेकर आएंगे और यूज करने के लायक उसको बना देंगे, उसी पोजीशन पर लेकर आ जाएंगे और यूज करने लायक अगर वो बन गया तो कितना पैसा बचेगा, सोचिए आप। तो सबने स्टार्टिंग में उसका मजाक उड़ाया बट उस बंदे ने कर दिखाया। रीयूजेबिलिटी ऑफ रॉकेट बूस्टर्स, इससे पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा भाई। इससे और ज्यादा मिशन स्पेस के देखने को मिलेंगे, इवन मलबा स्पेस डेब्रिस की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो भी बचेगी। SpaceX बहुत तगड़ा काम कर रहा है इसमें। ये मैकाजिला टेक्नोलॉजी के बारे में बस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि एक मैकाजिला स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो एक नई इनोवेटिव अप्रोच है, अप्रोच नहीं मतलब इनोवेटिव सोल्यूशन लेकर आ गया है SpaceX, कि जिससे कि रॉकेट रीयूज आप कर पाओगे और इसमें पैसा भी बचेगा और आपका टाइम भी जो है वो काफी ज्यादा बचेगा। मैकाजिला जो है ये बेसिकली लॉन्च टावर हम लोग को देखने को मिलता है, जिसमें एक बहुत बड़ा रोबोटिक आर्म है जो बेसिकली जैसे ही वापस वो लॉन्च व्हीकल आता है या रॉकेट आप सिंपल शब्दों में समझो वापस आ रहा है तो उसको पकड़ लेता है, राइट। तो ये कैच करता है, सिक्योर करता है लॉन्च व्हीकल के पार्ट को, पर्टिकुलरली बूस्टर को, और मिड एयर में जब वो नीचे की तरफ आता है, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। और ये आर्म्स जो है वो टावर से अटैच्ड होते हैं, राइट, और बिल्कुल सटीक तरीके से जो है वो ये उसको जो है वो ग्रैब करने पर फोकस करते हैं। बस ये चीज है और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो काफी अच्छा, इसका वीडियो देखोगे तो और बेहतर तरीके से चीज समझ में आएगी। इसको दूसरे सिस्टम के साथ भी कंपेयर किया गया तो रॉकेट लैब एक हम लोग को देखने को मिलता है, जिसमें हेलीकॉप्टर्स जो है वो भेजे जाते हैं पकड़ने के लिए बूस्टर्स को मिड एयर में, और पैराशूट्स का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ब्लू ओरिजन का न्यू शेफर्ड हम लोग को देखने को मिलता है, ये वर्टिकल लैंडिंग का इस्तेमाल करता है जो ऑलरेडी पहले ही SpaceX कर चुका है। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एक हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो इंजन के कंपोनेंट्स को जो है वो रिकवर कर लेता है, राइट, पूरे के पूरे बूस्टर को रिकवर करने की जगह सिर्फ उसके पार्ट्स पर फोकस करता है। नासा जो है उसने पैराशूट वाला वो सिस्टम बहुत पुराना जो है वो इस्तेमाल करता है वो। इसरो के अंदर भी हमारा जो सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है, अब हम लोग डेवलप कर रहे हैं RLVTD, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि पूरी तरह से रियूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी का उपयोग हम लोग करेंगे। बट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने अभी तक SpaceX की मिड एयर बूस्टर कैप्चर जैसी कैपेबिलिटी जो है वो अभी तक हासिल नहीं करी है। अभी तक टॉप पे यही चल रहा है, ठीक है, बस यही चीज और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर समझने वाली, दैट्स इट। नेक्स्ट, ग्रेट व्हाइट पेलिकंस ये बेसिकली यूरोप में रहती हैं, वेस्ट एशिया के अंदर और कुछ अफ्रीका के पार्ट में कुछ देखने को मिलती है, और ये चिड़िया जो है वो इंडिया में भी नजर आती है विंटर के समय पर। ग्रेट व्हाइट पेलिकंस जो है वो लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में है IUCN की रेड लिस्ट में, और जलवायु परिवर्तन के कारण और इनका जो हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो रहा है उसके कारण इनको काफी ज्यादा नुकसान है। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहां पर है क्वेश्चन आएगा, तो याद रखना राजस्थान के अंदर है। यहां पर 71 टाइगर्स आपको देखने को मिल जाएंगे 2023 के सेंसस के अकॉर्डिंग। टाइगर रिजर्व जो है प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव का पार्ट है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा लॉन्च किया गया। अब हमें देखने को मिलता है 785 टाइगर्स हम लोग को जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स जो है वो कहां पर है कोई बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर, ऑब्वियसली मध्य प्रदेश।
सो रणथंभौर टाइगर रिजर्व से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मेंस का ट्राई करिएगा इसका आंसर देने की 120 वर्ड्स में। तो अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस, जय हिंद।